हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मैक्रम बैग की और एक न्यू डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, अभी तक मैंने अपनी वीडियो में ऐसा डिज़ाइन नहीं बताया है, तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसका जो हैंडल है उसको मैंने बैग के साथ ही अटैच कर दिया है, एक्स्ट्रा ये हैंडल जो है एक्स्ट्रा नहीं है। तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिए, और बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स पे बता सकते हैं। और अच्छा लगे बनाने का तरीका तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और ऐसे ही डिज़ाइन और भी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे मैं ऐसे जितना भी वीडियोस डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें टू कॉर्ड लेना है, और ये डार्क ब्लू कलर की है, और ये जो टू कॉर्ड है मैंने 4 मीटर में कट किया है, और दोनों कॉर्ड को इस तरीके से हम मिडिल में कर लेंगे। और यहाँ पे हम रफ एक नॉट बनाएंगे, और यहाँ पे हम अब डिज़ाइन बनाएंगे। पिन से कर दिया है मैंने सिक्योर, थोड़ा ध्यान से आपको देखना होगा, ये जो डिज़ाइन है इस तरीके से हम बनाएंगे। इस तरीके से हमें नॉट बनाना है, टोटल 7 नॉट हम इसी तरीके से बनाएंगे। सेम प्रोसेस के साथ मैंने 7 नॉट बना दिया है। अभी कॉर्नर का 2 कॉर्ड पकड़ के हमें इसमें बीड्स अटैच करना होगा। यहाँ पे फिर से और 1 नॉट हमें बनाना है, और यहाँ पे रफली जो मैंने नॉट बनाया था उसको भी मैंने ओपन कर दिया है। अभी इसी तरीके से हमें और एक यहाँ पे बनाना होगा, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया है, देखिए सेम है, 7 है, फिर एक बीड्स डाल के मैंने और एक। अभी हम ये जो 4 कॉर्ड है इसको लेके डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले इस 4 कॉर्ड में हम बीड्स अटैच कर लेंगे। अभी इस 4 कॉर्ड के साथ जो डिज़ाइन मैं बनाने वाली हूँ वो डिज़ाइन मैंने मेरे बाकी के बहुत सारे हैंडल में यूज़ किया है बैग के। तो यहाँ पे आप ध्यान से
आपको ये जो है डिज़ाइन देखना होगा, बहुत इजी है बट थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। तो इसके लिए कोई भी एक कॉर्ड को आप ये भी और ये भी ले सकते, कोई भी ले सकते हैं। एक कॉर्ड को हमें इस तरीके से एक कॉर्ड के ऊपर रखना है, फिर दूसरे को लेकर यहाँ पे टू कॉर्ड के ऊपर रखना है, फिर इसको लेके इस टू के ऊपर रखना है, और ये जो कॉर्ड है, ये जो टू कॉर्ड है, इसके नीचे से यहाँ से हमें निकाल लेना है। और फोर कॉर्ड को हमें इस तरीके से बराबर से खींच लेना होगा। जो डिज़ाइन यहाँ पे बना है देखिए, वो डिज़ाइन यहाँ पे भी बन गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे फोर कॉर्ड के साथ जो डिज़ाइन है वो बनाया है। तो अभी फिर से इस डिज़ाइन को रिपीट करना है। इसी तरीके से हमें इसको कंटिन्यू करना है और इतना सा हमें बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से मैंने डिज़ाइन को कंटिन्यू किया है और इतना सा बना दिया है। अभी हमें बीड्स लेना है और ये जो फोर कॉर्ड्स के एंड है उसमें हमें बीड्स को निकाल लेना है। अभी देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था डिज़ाइन को, अभी टू करके कॉर्ड लेके हमें अलग अलग डिज़ाइन बनाना होगा, जैसे कि हमने पहले भी बनाया था। तो इसी तरीके से मैक्रम बैग हैंडल बनके तैयार है। इसी तरीके से हमें सेम और एक बनाना है, क्योंकि बैग के लिए हमें टू हैंडल चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने और एक भी यहाँ पे बना दिया है। अभी इसमें हमें अटैच करना होगा कॉर्ड्स, स्काई कलर की कॉर्ड और ब्लू कलर की कॉर्ड मैंने यहाँ पे 2 मीटर करके कट कर दिया है। अभी हमें डिज़ाइन बनाना होगा, तो इसके लिए एक करके कॉर्ड लेना होगा और इसको फोल्ड करके इस तरीके से हम डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरीके से हमें बना लेना है। Thank you.
अभी यहाँ पे टू ब्लू कलर की कॉर्ड है, तो इसके बीच में मैं एक स्काई कलर की कॉर्ड को यहाँ पे अटैच करने वाली हूँ। तो दोनों डिज़ाइन से एक एक करके आपको कॉर्ड लेना है और जो डिज़ाइन है सेम वही बना देना है यहाँ पे भी। इस तरीके से हम दो जो डिज़ाइन है उसको ऐड कर लेंगे और अभी इसके साथ इसको ऐड करेंगे। इसी तरीके से हम अल्टरनेट कलर का यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक स्काई और यहाँ पे एक ब्लू, स्काई ब्लू, इस तरीके से हम ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे मिडिल में मैंने एक एक करके अटैच कर दिया है कॉर्ड्स और यहाँ पे टोटल है 9 डिज़ाइन अल्टरनेट करके कलर मैंने यूज़ किया है यहाँ पे और अभी इसके साथ इसको अटैच करना है और ये जो कॉर्ड है इसके साथ इसको अटैच करना है। तो सेम प्रोसेस के साथ मैंने और एक बना दिया है, यहाँ पे भी मैंने 2 रखा है यहाँ पे और यहाँ पे देखिए मैंने 3 यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो सेम हमें दोनों ही जो डिज़ाइन है उसमें 2 और 3 इस तरीके से कॉर्ड्स को ऐड करना है। तो एक हमें उल्टे साइड पे जो डिज़ाइन है, देखिए ये जो है डिज़ाइन वो सीधे तरफ है, उल्टे साइड पे रखना है और इसके ऊपर हमें इस तरीके से सीधे साइड को रखना है। तो इस साइड पे हमारा 2 है और इस साइड पे देखिए 3 है, तो टोटल इस साइड पे भी 5 और इस साइड पे भी 5 हो जाता है। अभी हम एक दूसरे को अटैच कर देंगे। बैग का जो बेस है वो इसी तरीके से तैयार हो जाता है। अभी हमें सिर्फ डिज़ाइन को रिपीट करना है और सेकंड लाइन थर्ड लाइन ऐसे करके बनाना है। इसी तरीके से हमारा सेकंड लाइन जो है वो बनके तैयार है। अभी हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने सेम डिज़ाइन बना के इसको कंटिन्यू किया है।
तो आप जितना लंबा चाहते हैं इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और थोड़ा बना लूँगी। तो इसी तरीके से इतना सा बनाने के बाद अब हम इसको फिनिश करेंगे बैग की डिज़ाइन को। तो इसके लिए हमें जो बैग को है उसको फोल्ड कर लेना होगा। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बराबर से एक लाइन में यहाँ पे बना दिया है। सिर्फ इस साइड पे देखिए, ये जो हैंडल के बीच में 1, 2, 3, 4 और 5 करके डिज़ाइन है, तो ये जो डिज़ाइन है इसमें मैंने सिर्फ फ्लावर को नहीं बनाया है, दोनों साइड से मैंने छोड़ दिया है इस लाइन में, और बाकी मैंने पूरा एकदम बराबर से बनाया है। तो अभी मैं इसको इस तरफ कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने उल्टा साइड पे कर दिया है। और इस तरीके से आपको ये जो हैंडल है इसको बराबर से यहाँ पे रखना होगा, और यहाँ पे इसको कॉर्नर पकड़ के डिज़ाइन को बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ये जो 2 कॉर्ड है इससे मैं डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करूँगी। तो बहुत ही सिंपल है ये जो बैग का पैकिंग का तरीका है। यहाँ पे मैं बहुत सिंपल वे से इसको पैक करने वाली हूँ। तो ये जो 2 कॉर्ड है इसको सिर्फ एक दूसरे के साथ इस तरीके से 2 टाइम आपको नॉट लगा देना है। फिर इस जो दोनों कॉर्ड है इसको छोड़ देना है। फिर सेकंड का कॉर्ड लेना है, सेकंड जो 2 कॉर्ड है उसको भी इसी तरीके से हम एक दूसरे के साथ सिर्फ इस तरीके से नॉट बनाएंगे। फिर थर्ड नंबर जो कॉर्ड है दोनों ही लेना है। पूरा जो लाइन है इसको मैंने कंटिन्यू किया है और इसको कंप्लीट कर दिया है मैंने, देखिए इस तरीके से। अभी जो एक्स्ट्रा कॉर्ड है उसको हमें कट करना है और लाइटर की मदद से हम इसको स्टिक कर देंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए। एक्स्ट्रा कॉर्ड को मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, अभी लाइटर की मदद से हमें स्टिक कर देना होगा एक एक करके ध्यान से। हर एक जो एक्स्ट्रा कॉर्ड था मैंने वो स्टिक कर दिया है। अभी इसको मैं इस साइड पे कर लूँगी।
नीचे का जो डिज़ाइन है फिनिशिंग कुछ इस तरीके से आया है। तो ये जो बैग है बनके रेडी है। आप यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन भी बना सकते हैं, वो आपका चॉइस है। तो इसी तरीके से ये जो ब्यूटीफुल बैग का डिज़ाइन है वो तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कोई प्रॉब्लम हो, और शेयर कीजिए। और मेरी चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे मैं जब भी न्यू वीडियोस डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।